तीन लेंसेज दे रखे हैं, कन्वेक्स है, कॉनकेव कन्वेक्स, इनकी फोकल लेंथ दे रखी है, इनके बीच का गैप दे रखा है, इन दोनों के बीच का गैप है, इन दोनों के बीच का गैप है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ 30 पे, फाइनल इमेज उतनी कहाँ पर बनेगी। सीधी सी बात है, इसमें ना तीन लेंस हो तो नेट फोकल लेंथ नहीं निकल पाएगी क्योंकि गैप दे रखे उनके बीच का। अगर दो ही होते हो उनके बीच का गैप दे रखा हो तो फिर तो निकल जाती, तीन के लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता बीच में गैप दे रखा हो तो। इसमें एक बार में तो 100 लोग बनिए, इसको तीन बार में करना पड़ेगा, तीन बार मिरर लेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। माइक चल दे रहा हूँ। हाँ जी बोलो। पहले दो के निकालने सर, फिर जो आएगी उसको थर्ड मान के उसके ये थोड़ा ये काम कॉम्प्लिकेटेड होगा, ये काम करना कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। ये कह रहा है कि पहले दो की निकाल लें फिर वो थर्ड आई वो कर लें, ज्यादा बेटर है कि एक एक बार एक करके कर लो आसान है। सर दो को जोड़ दो सर, एक तो कम हो ही जाएगा। पहले जोड़ोगे उन दोनों को, पहले तो आप वन अपॉन एफ नेट निकालोगे, फिर वो मिरर फॉर्मूला लगाओगे, लेंस फॉर्मूला लगाओगे, फिर तीसरे के लिए लेंस फॉर्मूला लगाओगे, तो तीन स्टेप्स हो गए। बेटर इसमें लेंस फॉर्मूला, इसके लिए लेंस फॉर्मूला, इसके लिए लेंस फॉर्मूला, बस कान से इधर से पकड़ लो, जो घुमा के पकड़ लो, ऐसे करके ऐसे पकड़े नहीं जा रहा। तो कुल मिला के लेके आप मतलब कहने का ये है कि कैसे ही कर लो यार, इसके अंदर पहले तो हम ऐसा करते हैं, इससे करते हैं हम लोग, पहले तो इस वाले लेंस के लिए करते हैं हम लोग। देखिए आप लगाओ वन बाई यू फॉर्मूला क्या होता है इसका, माइनस होता है, माइनस वन बाई यू प्लस वन बाई वी इक्वल टू वन बाई एफ। यू की वैल्यू क्या लिखोगे आप यहाँ पे, माइनस 30 प्लस का वन बाई वी इज इक्वल टू वन बाई 10, प्लस का ही आएगा वन बाई वी इज इक्वल टू वन बाई 10 माइनस का वन बाई 30 लिख दिया आपने, 30 एलसीएम ले लिया, 3 माइनस 1 यानी कितना आएगा यहाँ पर, ये 2 बाई 30 यानी कि 1 बाई 15। वी की वैल्यू प्लस 15 सेंटीमीटर आ रही है, प्लस 15, प्लस 15 का मतलब पता क्या हुआ, रियल इमेज तो बनेगी लेकिन जानते हो कहाँ बनेगी, वो यहाँ यहाँ कहीं बनने वाली है, वो 15 पे मतलब लाइटर ऐसे गई है, ऐसे गई, ऐसे कन्वर्ज होने का ऐसे जाएगी लाइटरी, कन्वर्जिंग लाइटरी जाएंगी दोनों। लेकिन आपको पता है इसका फोकस भी यही है, इसका फोकस यही है, तो जब लाइटरी जैसे कन्वर्जिंग आती है और फोकस पे पड़ने वाली होती हैं तो क्या होता है बताइए, पैरल हो जाती हैं, पैरल हो गई लाइटरी पैरल। और जो पैरल वाली लाइटर होती है वो कहाँ मीट करती हैं, फोकस पे, पैरल वाली लाइटर फोकस पे मीट करेंगे। आप इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी यहाँ पे, 30 सेंटीमीटर, तो फाइनल वी की वैल्यू 30 आ गई। कितना आसान है ये, कितना आसान है। और जब तीन लेंसेज आएंगे ना, चार आएंगे, तो इसी टाइप का कुछ हो रहा होगा, बार बार नहीं लगाना आपको, इसी टाइप का कुछ हो रहा होगा कि आसान हो जाएगा वो। आ रही है ना बात समझ में आपको, कोई शक?